भाई लोग कैसे हो आप सभी, और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना पीएस के मस्त। तो गाइस पीएस के नए और ब्रांड न्यू सबका स्वागत है। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जीटीए ऑनलाइन। तो गाइस जीटीए ऑनलाइन की आज अपनी वेब सीरीज का डे है 37। तो आज हम फिर से आर्केड में थे। तो लास्ट वाली वीडियोस में भी हमने आर्केड की जो मीन्स डायमंड कैसीनो हीस्ट की प्रिपरेशंस की थी, तो आज भी हम उसी के आगे प्रिपरेशंस करेंगे। तो ये हमने आर्मरी खरीदी हुई है, तो सारी गन्स तो अपने पास है, तो कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है हमें गन्स की अभी। तो मेन हमारा फोकस मिशन के ऊपर है। तो लास्ट वाली मिशन में हमने जो ड्रोन्स थे वो तो हमने कर लिया था डीएक्टिवेट। तभी दूसरा वाला मिशन करते हैं उसका साथ होला। तो गाइस अगर आज भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, कमेंट कर दिया करो वीडियोस को। ओके तो हीस्ट पैट वॉल्ट लेजर्स, तो वॉल्ट लेजर्स ये भी एक नया मिशन है, मैंने पहले नहीं देखा था। मैं लास्ट वन मैंने नोट किया हर हीस्ट के जैसे आप एग्रेसिव बिगकॉन और साइनन से की उसकी प्रिपरेशन हर एक हीस्ट की डिफरेंट है। तो रे भाई क्या वो कार में बैठना नहीं आज भाई? रे भाई तो रुकी गए, ओके बैठ गए कार भाई। ये थोड़ा नेट का ना ग्लिच होगा तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो गोर दूर द पाल्मर टेलर पावर स्टेशन, गाइस मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी गोलियाँ वाला मिशन होगा। तो मैंने लास्ट मिशन में ना अपना वेस्ट सारे फिनिशिश हो गए थे, तो वेस्ट खरीद लेते हैं एक आर्मर शॉप से, बिल्कुल पास ही है। मैं वहाँ गया, नहीं बंदों नहीं डरता, उड़ाना आता ना तो मैं वैसे ही उड़ा देता। भाई डर गए थे, तीनों डर गए थे, हमें कोई देख रहे सारे। तो गाइस देखो ठीक है, तो ये वाला वेस्ट खरीद लेते हैं 500 का, $500 का है। और अपने पास देखो बिल्कुल ही ख़त्म थे, तो 9 स्टोरेज कर सकते हैं और समझ गया 10वां हमें डला होगा। तो टोटल 10 वेस्ट अपने पास रहते हैं बैकअप के लिए। पहले 4 रहते हैं, फिर 3, फिर 5, 6 बैकअप में रख सकते हो। तो ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हम मैक्सिमम लेवल रीच कर चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं वेस्ट स्टोर कर सकते, 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो चलेंगे पावर स्टेशन में, ये भी मिशन यूनिक सा ही होगा थोड़ा सा, क्योंकि GTA 5 यूनिक सी गेम है। तो गाइस फ्लाइंग कार का तो इतना ज़्यादा फ़ैन हो गया मैं, दूसरा व्हीकल ना यूज़ ही नहीं करता आजकल, नहीं तो पहले इग्नू से अपनी दूसरी व्हीकल्स यूज़ करता है। बट ना वो सारे व्हीकल में ना टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा, वो व्हीकल्स ये एयर मोड के अंदर ना आधी चीज़ें ना इजी हो जाती हैं। पहली बात तो अगर कोई बंदा हो तो सीधा ये अपने आप टारगेट देख लेता है, और सीधा मेरा काम बस है इसको मारना ही है। और अगर दूसरी बात करो तो ये उड़ती चीज़ लैंड वेस में, अगर ये इतना ज़्यादा सफ़र करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस हिसाब से ठीक है, बाकी मोप्रेसर मार्क टू भी अपनी जगह अच्छा है, बट मैं उसके लिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि वो ओपन व्हीकल है, उसमें गन्स गुन्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। और ये डिलेक्सो है ऐसे, इसमें चीज़ अच्छी है कि आपको कार मिलती है और थोड़ा सा आर्मर मिल जाता है, बिकॉज का 100 आर्मर किया हुआ है हमने ऑलरेडी। तो ठीक है गाइस, अभी से बंदे कितने ज़्यादा दिखने लग पड़े, ऊपर ही बंदा खड़ा हुआ था, तो ऊपर वाला बंदा ना ओके, तो टेक आउट द क्लिफ फोर्ड मर्चेंडाइज। तो जितने बंदे मैं पीछे से उड़ा ही जा रहा हूँ बस, ओके तो देखा कितना इजी चीज़ है, नहीं तो ये सारे बंदों मैंने मारना हो कितना मुश्किल लगेगा ना सब कुछ। तो एंटर द वेयर हाउस, देखो भाई इसमें बैठे बैठे मेरा सारा का सारा काम हो गया, सारी की सारी कार सारे गुंडे हमने वैसे ही मार दिए, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कुछ कुछ फ़ायदे हैं इस चीज़ के जो कि रहते ही हैं हमेशा। तो पिछली बारी कार मारी ना थोड़ी फंस गई थी, इस बारी बहुत सेफ लैंडिंग कराएंगे हम अपनी कार की। पिछली बारी भाई इंपाउंड कर ली थी उसने, और उसके बाद डिस्ट्रॉय भी हो गई थी, फिर इंश्योरेंस क्लेम भी लेना पड़ा था, तो काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ये इस बारी हमने काम नहीं करना भाई, गन को निकाल लेता हूँ, शायद अंदर बंदे हों, कुछ कह नहीं सकते, बाहर थे तो अंदर भी होंगे ही, पूरी पूरी होप है, देखते हैं अंदर क्या मिलता है, बंदे तो होंगे मुक्का। ओके तो कहाँ पर, ओके यहाँ तो कोई है ही नहीं, नहीं नहीं दो हैं, एक ये रहा इसको तो उड़ा दिया, एक ये था उड़ गया, ये वाला बंदा तो उड़ गया, और कोई है भी? ओके तो एक बंदा यहाँ पर है, इसको सीधा यहाँ से गन मार देते हैं सीधा हेडशॉट। और कोई बंदा है क्या? ओके तो एक यहाँ पर भी था, ये भी उड़ा दे, और चौथा, ओके तो एक सामने है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब का भी खड़ा हूँ मैं तो, ये तो भाई मारने को कब का मार सकता था मुझे। तो वोल्ट लेजर्स को अब मैं स्टील करना है,
तो वोल्ट की लेज़र्स को स्टील कर लेते हैं और दूसरी कर सकते हैं क्या? ओके यू आर ऑलरेडी कैरिंग द लार्ज फीस्ट क्रैब। तो गाइस वन बाय वन ही होगा, तो मतलब अभी हमें ये लंबा काम पड़ जाएगा काफ़ी। मतलब अभी पहले इसको चढ़ा के हमें पहले आर्केडे जाना पड़ेगा, फिर आर्केडे से इसको डिलीवर करके फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, फिर दूसरा चढ़ाएंगे और फिर वापस जाएंगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऊपर से ग्लोबल सिग्नल भी हमें दे दिया, तो अगर आप पब्लिक सेशन में हो गए तो ग्रीफिंग जरूर होगी, अदर प्लेयर्स आपको जरूर मारेंगे क्योंकि उनको एक्स्ट्रा आरपी मिलता है और उनको एक्स्ट्रा कैश मिलता है इस चीज़ से। पर मैं तभी ये सारी प्रिपरेशंस ना क्रू सेशन में या प्री इनवाइट ओनली सेशन में करनी चाहिए क्योंकि तभी फ़ायदा है। क्योंकि साइड में देखो आ गया पीएस गेमर्स ऑर्गेनाइजेशन हीस्ट, प्रेप इक्विपमेंट्स इज नाउ अवेलेबल टू ऑल द प्लेयर्स इन द सेशन। प्लेयर में सेशन ही, सेशन में प्लेयर्स ही नहीं है तो मैसेज भेज के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अपना। हम सिंपल आर्केड में इसको डिलीवर कर देते हैं और फिर सेकेंड वाला भी हमें करना है, काफ़ी लंबा मिशन पड़ेगा बट कोई नहीं गाइस, गेम में करना ही पड़ेगा हमें। तो अपना आर्केड तो बिल्कुल पास ही है, जस्ट अब इसको सही तरीके से लैंड कराना है अपना डिलक्सो को। ओके तो साथ इसका ऑन कर दो भाई, एक सेकंड की देरी, नहीं तो ना ये एक सेकंड में ऑन होता। ओके तो ये क्या था, हैमर जैम था मे भी, तभी इसने ना उसको पकड़ा। हम मार्केट में डिलीवर कर देते, इसका होवर बोर्ड ना पहले डिसेबल कर दो। नहीं नहीं भाई 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 भाई, भाई। मैंने किया ही नहीं और सीधा ही उधर गया गलती से ना, मेरे से एफ दब गया। तो कार तो अपने आप ही चल रही है, पता नहीं कितनी देर चलती रहेगी खुद से। और तो अब हम चलते हैं अपना दूसरा वाला, पहले इसको डिलीवर कर दें फिर दूसरा वाला चलते हैं। ओके एंटर द वेयर हाउस, अब फिर से आ गया वही, मैं उस वेयर हाउस में एंटर करना है और मेरी कार पता नहीं कितनी आगे चलेगी गाइस। ये एक चीज़ का है, होवरबोर्ड लगा के कार लगा दो तो कार बहुत आगे चली जाती है, तो हम इसको बुलाने के लिए ये करते हैं कि पर्सनल व्हीकल को वापस भेजेंगे और इसको दोबारा बुलाएंगे। ठीक है ईजी वर्क, पता नहीं कितनी दूर चली गई थी, इस बार ठीक होके आएगी। और ये चीज़ करके गाइस एक और चीज़ अच्छी है कि ये ना इसकी ना मिसाइल्स भी वापस आ जाती है, जैसे मैंने आपको हमने बताया था ना कि 30 मिसाइल्स होती हैं इसके अंदर, तो मिसाइल्स भी जितनी मैंने यूज़ की होंगी वो भी सारी रीलोड दोबारा से होके आएंगी ऐसे करने से। तो सीधा इसको फ्लाइंग मोड में इसका डालते हैं और चलते हैं अपने। तो अभी तक गाइस ग्लोबल सिग्नल चल रहा है कि पता है कितने बंदे मेरे को मार सकते थे अब तक तो एक आधा बंदे का तो दिमाग फिर ही जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है पब्लिक सेशन में इस मिशन करने का, गाइस देखो अभी मैं फिसाइल छोड़ रहा हूँ तो ब्लैक कलर की छोड़ रहे हैं, पर जब मैं रात को छोड़ता हूँ मिसाइल्स तो ब्लू कलर की स्मोक निकलती है, नहीं तो अभी ब्लैक निकल रही है, ये भी सही चीज़ है। ओके तो इजीली लैंड करते हैं, अब हम वेयर हाउस के बिल्कुल पास है। ओके नहीं, ओ भाई ये क्या चीज़ है, मैं नीचे ज़्यादा करते करते वो अपने आप ही एयर से लैंड मोड में आ गई, मतलब ये चीज़ अच्छा ही लगी है, मतलब जब कार के आपकी पलट जाती है तो फिर वो स्विच अपने आप ही कर देता है, मैंने स्विच किया अपने आप ही स्विच हो गई। स्टील द वॉल्ट लेजर्स, तो एग्जिट द वेयर हाउस, एग्जिट करते हैं हम जल्दी से और इसको डिलीवर करते हैं। ये कहाँ फंस गया, ओके तो छोटा सा बॉक्स था, अरे भाई बॉक्स नहीं हिला पाए क्या ही करोगे आप लोग, पर चलो फिर भी गाइस रे भाई के अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, गन गुन अच्छी चला लेते हैं। वैसे रे भाई नहीं चलाते गन, तो मैं ही चलाता हूँ, रे भाई तो ओनली करेक्टर है, अब तो ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ओ गाइस देखो ये चीज़ देखी मैंने जैसे ही पकड़ा, साथ में देखो दो गुंडे आ गए मेरे को मारने के लिए,
तो सिग्नल जैमर डिस्ट्रॉयड हो गया अपने आप ही। गुंडे मेरे को कुछ कह नहीं पाएंगे। ये चीज़ का भी एक फ़ायदा है, ये लो एक और व्हीकल का फ़ायदा कि मतलब जब भी मिशन करो ना कभी लैंड किए गुंडे पर आएंगे ही आएंगे आपके पास। तो जब एयर वाले से चल रहे हो तो लैंड वाले गुंडे आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, और हर कोई तो आपके पीछे हेलीकॉप्टर भेजेगा नहीं। कोई सी ऐसी मिशन में होता है कि हेलीकॉप्टर आ जाते हैं बाजार से, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस वाले में हुआ जैसे आपने देख लिया इसी मिशन में कि बाजार्स आ गए हमारे पीछे, दो बिल्कुल दो आ रहे हैं पीछे। तो मैं गाइस नाम से चलूँगा, मेरे को उनको नहीं छेड़ना। अगर वो ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर मैं देखूँगा गोली गोली मारने का, ये तो अभी नहीं मैं छेड़ रहा उनको फ़िलहाल के लिए। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा गाइस नाम से। ओके तो सिग्नल जैमर ही है यहाँ पर भी एक, तो 50 डिस्ट्रॉय करने हैं। क्या मिलेगा इसे, पता नहीं क्या मिलेगा। चलो, और वो तो वो पीछे ही रह गए, वो मेरे को पकड़ ही नहीं पाए मैंने क्योंकि सही तरीके से चलाई कार। और इसको हम डिलीवर कर देते हैं और ये मिशन को यहाँ ही एंड करते हैं। ओके तो कार अंदर जाती है बट कार बाहर ही मिल जाती है, अंदर तो क्योंकि गैराज ही नहीं है, भी ठीक चीज़ है। ओके तो हीस्ट पाइप कंप्लीट, वोल्ट लेजर्स डिलीवर्ड। ओके तो गाइस मुझे पता ही लेजर्स की चीज़ की है ना, वोल्ट को हम जब करेंगे ना ड्रिल उसके टाइम में खासे काम आएंगे ये चीज़। तो अगला वाला मिशन वेपन वाला कर लेता, मैं सोच रहा हूँ वेपन वाला ठीक रहेगा। तो हम चलाएंगे इस वक्त दनाली, क्योंकि दनाली वाला मिशन मीन्स शॉटगन वाला मिशन, शॉटगन वाला भी ठीक है बट वोल्ट की कार्स पहले कर लेते हैं। ओके तो एजेंसी में भी काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया, की कार्ड वाला मिशन नेक्स्ट अभी कर लेते हैं, वो वाला नेक्स्ट में कर लेंगे ठीक है। तो स्टील हाईजैक द प्रिजन बस, तो प्रिजन बस को भाई सबसे पहले जाके हमें हाईजैक करना है। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा प्रिजन बस के पास ही, क्यों वो चल रही होगी। और ये बिल्कुल ओपी तरीके से हमने चलाते हुए और ये हम ठुकते हुए, तो अरे भाई थोड़ा अच्छे तरीके से चलाना है ना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, और कह दिया रे भाई ने अच्छे तरीके से चलाएंगे, तो गाइस देखते हैं अच्छे तरीके से चलाते हैं रे भाई कि नहीं। गाइस अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक कर दो, और अगर हम इससे कोई चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। लास्ट वाली वीडियो से गाइस हमारी देखो। तो प्रिजन बस थोड़ी दूर है, मुझे लगता काफ़ी दूर है, तो हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। वो नीचे अपनी ऑटो शॉप आ गई, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते 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 मैं पीछे आ गया, और ये गाइस मैं आ गया हूँ पलीटो वे के पास पास थोड़ा सा। तो ये जा रही है प्रिजन बस बिल्कुल नीचे है, तो मैं इसको ना मारने का देखो तरीका देख रहा हूँ कि इसका ड्राइवर इसको चला रहा है, क्योंकि चल रही है बस। तो इसको चलाने का तरीका यही है कि सबसे पहले कि हम ना गन से ना इसके ना ड्राइवर को मार दें, तो हम चल देंगे इससे आगे। ये मेरा प्लान है इस टाइम कि इससे आगे चलेंगे हम प्रिजन बस से भी। नहीं नहीं देखो मिसाइल ने अपने आप ही इसको कर लिया, बट हमें प्रिजन बस को नहीं उड़ाना। तो मैं होमिंग में ऑफ कर देता हूँ, अभी होमिंग ऑफ कर दूँ तो अपने आप वो डिटेक्ट नहीं करती। ओके तो सबसे पहले चलते हैं इसका ना एयर मोड में आ जाते हैं, गन्स की ऑप्शन भी नहीं फ़ायदा अभी, यही कोई फ़ायदा नहीं ऐसे इसको कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके आगे चलते थोड़ा सा और गोली से मारेंगे इसको ठीक है। तो काफ़ी मैं आगे आ गया हूँ और इतनी देर में वो पीछे से आती होगी, बिल्कुल सही। तो मैं गन निकालता हूँ अपनी, तो बंदा ओके तो अंदर था भाई, उसने भी मेरे को गोली मारी है। मैं जितनी डैमेज दे सकता था गाइस लास्ट तक मैंने डैमेज दिया। अभी सेम तरीके से ना दोबारा से करते हैं, यही सही सही चीज़ है, ये इसी चीज़ से हम ना सबसे जल्दी हम उसके प्रिजन बस को स्टील कर पाएंगे हाईजैक मीन्स। इस बार थोड़ा ना लोकेशन ज़्यादा दूर रखेंगे, इस बार पिछली बार ना बहुत ज़्यादा पास रखी थी, इस बार थोड़ा गैप ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो पिछली बारी बहुत तेज आ गया था। तो अभी देखो अभी आ रही है और मेरे को अभी से वो गोली मार रहा है, तो इसको मैं ड्राइवर को मारूँगा सीधा। तो मेन ड्राइवर को मैंने मार दिया और अंदर वाले गन को भी मार दिया, तो बिल्कुल ओपी अपना ये प्रिजन बक्स। तो चलो हाईजैक हो गई, अब देखते हैं नेक्स्ट मिशन क्या है।
एंटर हो गए हैं भाई प्रिजन बस के। ओके गो टू द पेनिट्री। ओके तो गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम प्रिजन, ये प्रिजन का नाम ही है जो भी सारा है, तो प्रिजन चलेंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं प्रिजन जा रहा हूँ, कोई मिशन अभी आ नहीं रहा प्रिजन का। तो आपको भी मैंने अभी तक गेम के अंदर प्रिजन दिखाया नहीं, तो चलो इसे माने आज सारे प्रिजन भी देख लेंगे। कार वाले तो मेरे साथ चले भाई, उसके साथ मैंने मोड़ काटा, कार वाला मेरे साथ चल रहा है, बट वो उसने वो भी मुड़ा नहीं, वो भी कहता मैंने सीधा जाना तो सीधा ही जाऊंगा। ये सही चीज थी। तो थोड़ा सा ही रस गया रास्ता है भाई प्रिजन का अपना ना, तो ये सारा घूमने से अच्छा ये है कि मैं थोड़ा सा छोड़ कर लेता हूँ, जल्दी पहुँचना है भाई। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया क्योंकि इतनी स्लो चल रही है बस, क्या ही बताऊँ। जब भाई जब गेम के अंदर आपको फास्ट कार्स फास्ट व्हीकल चलाने की आदत पड़ जाए ना, तो ट्रक कोई ऐसे छोटा व्हीकल ना चलाना बहुत डिफिकल्ट लगता है। ओके तो मैं यहाँ पहुँच गया भाई, ठीक है। अवॉइड द अलर्ट, हमें अलर्ट नहीं करना गार्ड्स को, सिंपली वो खुद ही दरवाज़ा खोलेंगे, प्रिजन बस है नहीं तो वो तो कभी एंट्री भी ना दे हमें। हाँ ठीक है, इन्होंने भी दरवाज़ा खोल दिया, एक और दरवाज़ा, वेट फॉर द गेट टू ओपन। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा जांच पड़ताल करेगा बंदा। खोल दो भाई खोल दो, आराम से खोल दो। वैसे जब इसका पता लग गया कि अब जा सकता है तो चलते हैं। ओके तो भाई काफ़ी गार्ड्स हैं और इनको शक नहीं देना अपने ऊपर, हमें ना नॉर्मल वे एक्ट करना है। सर्च द टावर फॉर द प्रिजन गार्ड। ओके तो टावर चलेंगे प्रिजन गार्ड के पास। तो भाई ये सारा देख लो, ये अपना है लॉस सैंटोस का प्रिजन, तो सारे गुंडे मवाली यहाँ पर ही आते हैं, बट रे भाई कभी इसकी नज़र नहीं शक्ल नहीं देखते क्योंकि हमें प्रिजन प्रिजन में आना अच्छा नहीं लगता, हम पकड़े जाते ही नहीं कभी, बहुत रेयर रहता है रे भाई पकड़े जाए, बस्टेड हम कभी भी नहीं होते। तो कार्ड सामने है और यहाँ पर ना कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे की निगरानी में शायद नहीं आएंगे, थोड़ा दूर से निकल जाएंगे हम। हाँ सही है बिल्कुल गाइस, तो वैसे भी हमें इसके अंदर है कुछ कहेगा नहीं हमें कोई बंदा, तो ये गार्ड ये तो भाई सामने ही खड़ा हुआ है बिल्कुल। तो हमें सर्च क्या करना है इसमें, तो हम उतरते हैं तो देखते हैं क्या कहता है वो भाई। सबसे पहले तो गन अंदर रखो भाई, गन 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 अंदर रखो। तो गाइस रे भाई ने ड्रेस भी डाल ली है प्रिजन वाली, सही है। टेक आउट द प्रिजन गार्ड। गाइस प्रिजन गार्ड को तो मैं सोच रहा हूँ मुक्का ही मारूँ सीधा, और मुक्का ही मारेंगे हम भाई। रे भाई के अंदर इतनी ताकत है, एक मुक्के से भाई बंदा मार दिया हमने। सर्च द गार्ड फॉर इस वॉल्ट की कार्ड, तो वी कार्ड को हम इसके अंदर सर्च करते हैं, गार्ड के पास होगा और लीव द एरिया। चलो चलें यहाँ से, इसी व्हीकल को लेकर निकल जाते हैं क्योंकि और कोई रास्ता मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे है। अंदर फिर ना गाइस सिस्टम ना सेफ नहीं है, तो मैं बाहर वाली रोड से चलते हैं, तो कोई ना कोई तो रास्ता मिल ही जाएगा एग्जिट का। आई थिंक सो गाइस यहाँ पर कोई एग्ज़िट का रास्ता है ही नहीं, कोई दरवाज़ा यहाँ पे है ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे। सो बस तो गाइस मैं ना देख रहा था कि मैं बस ना प्रिजन के ना किनारे किनारे घूम रहा था और उधर से गया था और इधर आ गया हूँ, अब ये नोट करो। अब इसके अंदर मैं जा नहीं सकता, तो बची बस यही जगह। उधर से प्रिजन की जो बस थी वो अंदर एंटर हो गई थी, बट यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है, छोटा सा वही गेट है, तो हमें बस यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और गेट से थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो गार्ड्स को शक ना हो, होप करना, फटाफट से यहाँ से लीव करते हैं। तो ये दरवाज़ा खोल देगा क्या? हाँ दरवाज़ा तो इसने खोल दिया,
हाँ भाई, बस मेरा कुछ सामान रह गया था बाहर, तो वही लेने जा रहा था भाई। गोली गोली ना मारने लग पड़े। सबसे पहले ना मैं अपना ना व्हीकल मंगवाता हूँ। व्हीकल मंगवाने से अच्छा यहाँ पर कि ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इस यहाँ से कोई कार चोरी करी ना, तो सायरन बज जाएगा, सारा मिशन फेल ना हो जाए, थोड़ा सा दूर ही भाग जाते हैं। ये भाई क्या कर रहे हो? ओके, तो यहाँ से ऐसे चलना तो ऐसे चल पड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं अपना व्हीकल बुलाता हूँ यहाँ पे, डिलक्स भी बुलाता हूँ, उसी से ही सही रहेगा, क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, तो अभी हम लीव कर नहीं सकते ऐसे। रिक्वेस्ट पर्सनल व्हीकल। तो अपना व्हीकल तो आ गया, ब्रांड न्यू है बिल्कुल। और इसका हम कर देते हैं ऑन। देखो अभी तो गाइस लीव द एरिया का आ रहा है, अब जाके ही स्ट्रैप कंप्लीट वॉल्ड की कार्ड्स एक्वायर्ड। तो गाइस फाइनली अपना ये वाला मिशन ख़त्म हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा खुश है रे भाई। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। ऐसे ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।